नरकटियागंज के अनुमंडलीय अस्पताल के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर शनिवार को बीजेपी नेताओं ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंका और सीएम नीतीश तेजस्वी मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सकों की मनमानी से अस्पताल बदहाल हो गया है। नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल रेफरल अस्पताल बन गया है। मरीज के प्राथमिक उपचार के बाद केवल रेफर की जाती है। साथ ही बीजेपी नेताओं ने अस्पताल प्रभारी के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की है। आरोप है कि अस्पताल प्रभारी केवल मनमानी करते हैं, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानी उठाना पड़ता है। ये नरकटिया का जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल सिर्फ एक नाम के लिए रह गया है। इसकी जो व्यवस्था है जर्जर व्यवस्था है। आए दिन यहाँ कोई ना कोई दुर्घटना होता रहता है, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। कोई प्रभारी भी है, यहाँ मरियल प्रभारी है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ जितने सारे लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, अधिकांश उनको रेफर कर दिया जाता है बेतिया। यहाँ की जो भी बिल्डिंग की व्यवस्था है वो आज नहीं, मामूली 10 साल बने हुए हो गया है, लेकिन लगता है 50 साल बने हुए हो गया है। इसलिए हम लोग स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन हम लोग कर रहे हैं। नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल की जो दुर्दशा है वो देखने लायक है। आए दिन ये तो एक रेफरल अस्पताल हो गया है। यहाँ जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं सब नगण्य है। यहाँ के मरीज जो आते हैं, मरीज कम आते हैं, लेकिन यहाँ से जाते हैं तो अधिक मरीज बनकर रेफर हो जाते हैं। बहुत से समस्या है, जैसे डॉक्टरों का रोस्टर के हिसाब से नहीं काम हो रहा है, जो है डिलीवरी वार्ड में जो है पैसे की मांग की जाती है। ये सारी मुद्दों को लेकर हम लोग ने स्वास्थ्य मंत्री मुजाबाद